अल्पेश, हमें आज रात को ही चिराग को काम्या के पास पहुंचाना होगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो निकलो यहाँ से। नहीं, मैं आपको इसे ऐसे कहीं नहीं ले जाने दूंगी। विद्या, चिराग को। चिराग की सच्चाई जानने के बाद अब वो इस घर में नहीं रह सकता। प्लीज मुझे एक मौका दीजिए। मैं कुछ देख क्यों नहीं सकता ठीक से? हमारे पास अब बस एक ही रास्ता, पूजा विधि से चिराग के अंदर की नकारात्मक और शैतानी शक्तियों को उसके आंखों से बाहर निकालना होगा। नहीं, नहीं, हम चिराग के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं विद्या। कभी कभी हमें जिंदगी बचाने के लिए शरीर का वो अंग जो लाइलाज बीमारी से ग्रसित हो जाता है उसे काटना पड़ता है। चिराग की भलाई के लिए हमें उसके आंखों की रोशनी की आहुति देनी ही होगी। उससे पहले मैं चिराग के लिए कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि कल से उसे अंधेरे के सिवा और कुछ नहीं दिखाई देगा। अब कैसा फील कर रहे हो? सिर में थोड़ा दर्द हो रहा है और चक्कर आ रहा है। ये लो, पानी पियो। मुझे लगा ही कि चिराग के साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है। विद्या चिराग पर एक टेस्ट करने में तो सफल हो गई, और अब दूसरा टेस्ट करके चिराग को हमेशा हमेशा के लिए अंधा कर उसे शैतान से मुक्ति दिलाना चाहती है। पर मैं विद्या को ऐसा नहीं करने दूंगी, कभी नहीं करने दूंगी। देवांग, हम चिराग पर ये परीक्षण जरूर करेंगे। हमारा बेटा आंखों की रोशनी खो देगा तो क्या हो? उसे शैतानी और काली शक्तियों के अंधेरे का सामना तो नहीं करना होगा। विद्या, वो तुम्हारा बेटा नहीं, हम शैतानों का अधिपति है। मैं उसे काली और तमसिक शक्तियों से दूर नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें तुम्हारे इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी विद्या, कभी नहीं। मुझे माफ कर देना बेटा, तुम्हारे अंदर के शैतान को मिटाने के लिए मुझे तुम्हें खूबसूरत रंगों से हमेशा हमेशा के लिए दूर करना होगा। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा। लेकिन आज आप मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो? आज मेरा बर्थडे थोड़ी है। ऐसे हमारा मन किया तो ले आए। अच्छा, तुम्हारे लिए तुम्हारे पापा ये स्पेशल बुक लेकर आए हैं। आओ यहाँ पे, तुम्हें मैं दिखाती हूँ। इसमें बर्ड्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, नेचर्स के बारे में बहुत कुछ लिखा है।
क्यों दिखा रहे हैं? ताकि तुम इसे अच्छी तरह से देख लो, समझ लो और हमेशा हमेशा के लिए अपने दिमाग में बसा लो, ताकि मैं इसे बंद आंखों से भी पहचान सकूं। उसके लिए मुझे इतना याद रखने की क्या जरूरत है? और मुझे आंख बंद करके क्यों समझ रहा है? मैं कोई ब्लाइंड थोड़ी ना हूँ। आप भी ना मम्मी, कितनी फनी हो। क्या हुआ मम्मी? पापा अचानक क्यों चले गए? बेटा, उन्हें कुछ जरूरी काम याद आ गया होगा, इसलिए। बस मम्मी, अब मुझे और नहीं देखना, मुझे कुछ खेलना है। पर पता नहीं घर में सबको क्या हो गया है, ना कोई मेरे साथ ठीक से बात कर रहा है और ना कोई मेरे साथ खेल रहा है। मैं हूँ ना, मैं खेलूंगी तुम्हारे साथ, ये लो। चिराग, ऐसा नहीं कहते बेटा। नहीं, इसे कहो जाए यहाँ से। हाँ हाँ, जा रही हूँ। अगर हम दोनों दोस्त नहीं बनेंगे तो एक दूसरे के साथ खेलेंगे कैसे? मैं क्या करूँ कि वो मेरा दोस्त बन जाए? चिराग वाकई शैतान चिराग के हृदय में नहीं, उसकी आंखों में। पूजा विधि से चिराग के अंदर की नकारात्मक और शैतानी शक्तियों को उसके आंखों से बाहर निकालना होगा। हर बच्चे को लगता है कि उसका पापा सुपरमैन है, उसे हर तकलीफ हर मुश्किल से बचा। मैं अपने बच्चे के कुछ नहीं कर। बिना आंखों के मेरा चिरा कैसे जी पाएगा? अंधेरा उसकी जिंदगी का, उसकी किस्मत का हिस्सा बन जाएगा। आप मुझे ये सब ऐसे क्यों दिखा रहे हैं? मैं कोई ब्लाइंड थोड़ी ना हूँ। अपने बच्चे की दुनिया को अंधकार में बदलने से पहले उस अंधकार से मेरे बच्चे को होने वाले दर्द मुझे एहसास होना चाहिए। सपना तू ही मेरा
आज दुलारा तू ही मेरी दुनिया, तू ही मेरी सांसें है और तू ही मेरा सपना, तू ही मेरा राज दुलारा तू ही मेरी दुनिया वालीरा, ओ पागलपन कर रही है विद्या। विद्या, ये क्या कर रही हो तुम? नहीं भाभी, मुझे मत रोकिए। मैं भी उस अंधेरे को महसूस करना चाहती हूँ जिसमें अब मेरे बच्चे को जीना होगा। विद्या, विद्या रुको, रुको, ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हो ये तुम? हे देवा, मुझे मत रोकी, मैं अपने बच्चे के दर्द को कम तो नहीं कर सकती, पर उसे महसूस करके बांट तो सकती हूँ। अंधेरे में जीना आसान नहीं है देवा, बहुत मुश्किल है। हमारा चिराग कैसे जी पाएगा देवा? अंबे माँ, आप देख रही है ना, विद्या माँ चिराग को लेकर कितनी परेशान है, और बेचारे करे भी क्या, आप तो सबकी माँ हैं, सबसे प्यार करती हैं, तो अपने चिराग को ऐसा क्यों बनाया? आपने किस बात की सजा दिया उसे? वो आपसे और आपके इस लॉकेट से इतना डरता है कि वो मुझसे दोस्ती करने के लिए तैयार ही नहीं है, इसलिए मैं ये लॉकेट उतार रही हूँ। दादू ये भी तो कहते हैं कि आप हमेशा अपने भक्तों के साथ ही रहती हैं, भक्तों के मन में बसती हैं, तो बस लॉकेट हो या ना हो, आप तो हमेशा मेरे साथ हो ना। मजबूर है, कुछ नहीं कर पा रहे। हम किस्मत और हालात से मजबूर हैं, लेकिन एक उम्मीद तो है। कैसी उम्मीद विद्या? कि हम अपने अपने बच्चे को अंधा करके ठीक कर लेंगे, लेकिन उससे आने वाली जिंदगी में जो नई तकलीफें खड़ी होंगी उसका क्या? देवान, ये आपके मन का डर है या संदेह? मन में डर भी है और हजारों सवाल भी। अगर ये टेस्ट करते वक्त चिराग के आंखों की रोशनी चली गई, फिर भी शैतान से मुक्ति नहीं मिली तो, और अगर अगर चिराग की
जान चली गई तो? देवांग, आप क्या कह रहे? आप ऐसा सोच ही क्यों रहे? सोच नहीं रहा हूं विद्या, पूछ रहा हूं। क्या तुम 100% श्योर हो उस किताब में जो कुछ लिखा है वो सच है? अगर हमारे चिराग को कुछ हो गया तुम खुद को माफ कर पाओगी? ये दोनों अचानक से फ्रेंड्स कैसे बन गए? एक मिनट यहीं रुको, मैं अपने टॉयज लेके आता हूँ। ठीक है। बड़ी दोस्ती हो गई है तुम दोनों में। ये चमत्कार हुआ कैसे? बस हो गया। मुझे तो लगा चिराग बड़ा अकड़ू है, वो मुझे पसंद नहीं करता, इसलिए हमारी दोस्ती तो कभी हो ही नहीं सकती। पर असली बात पता है क्या है? चिराग को मेरे अंबे माँ के लॉकेट से डर लगता था, तो मैंने उतार दिया। और बस हो गई दोस्ती। वैष्णवी, तुम बहुत छोटी हो इसलिए मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी, पर अब तुम चिराग के बारे में सब कुछ जान ही चुकी हो तो तुम्हारे लिए ये जानना भी बहुत जरूरी है कि तुम्हें वो लॉकेट नहीं उतारना चाहिए था, क्योंकि अंबे माँ के उस लॉकेट ने तुम्हें बहुत बार बड़ा नुकसान होने से बचाया है। काम्या नहीं चाहती थी कि चिराग कभी ठीक हो और वो तुम्हें अपना दुश्मन मानती, इसलिए चिराग से उसने तुम्हें कितनी बार नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारे अंबे माँ के लॉकेट की वजह से चिराग कभी सफल नहीं हो पाया। इसलिए वो जी तोड़ के तुम्हारा लॉकेट उतरवाने की कोशिश करती रही। जब तक तुम मेरी गुलाम हो तब तक तुम्हें ये लॉकेट उतारना पड़ेगा। इसलिए मुझे अब बहुत डर लग रहा है, क्योंकि तुम्हारे गले में वो लॉकेट नहीं है तो काम्या तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे। मेरे गले में लॉकेट नहीं है तो क्या हुआ? अंबे माँ और आप तो है ना। मैंने दोबारा लॉकेट पहन लिया ना तो चिराग एक मिनट में दोबारा दोस्ती तोड़ देगा। पता है मेरे दादू कहते हैं
अंबे माँ तो अपने भक्तों के मन में बसती हैं। जब अंबे माँ हर पल मेरे साथ है तो फिर डर कैसा? चिराग की खुशी के लिए तुम कितना कुछ कर रही हो। चिराग अपने सबसे बड़े दुश्मन के साथ कैसे खेल सकता है? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वो विद्या, बस बाबू से मुझे अपने घर में आने से रोक सकती, पर किसी आम इंसान को नहीं। चिराग मुझे हर हाल में चाहिए और मेरा ये काम एक आम इंसान करेगा। Ha 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 ha!